एक दोस्त ना मुझे हॉलैंड से मिलने आए, तो उसी लबो लहजे में वो पले बड़े थे। तो उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के मुझे फ़ोन किया, कहने लगे मैं ना कुछ थोड़ी सी ना मोटिवेशन लेना चाहता हूँ आपसे, आप मुझे मोटिवेट कर देंगे। मैंने कहा बताएं। कहने लगे आपके साथ नशिस्त बुक कराने का क्या तरीका है, कितने पैसे लगते हैं आपके साथ सीट बुक कराने में। मैंने कहा बस एक ही काम है कि जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाना, क्योंकि हुक्म है कि जुमे वाले दिन गर्दने नहीं पलांगनी। और दूसरा ये कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर मैं आपको कोई हिकमत की बात बता सकूँ ना तो मेरे लिए दुआ करना। सीट मैंने क्या बुक आपके साथ करनी है, क्या लेना देना है, मैं तो खुद फकीर हूँ, कसलेस हूँ, मदीने वाले से भीख लेता हूँ और जो कतरे नसीब में आते हैं वो हुजूर के गुलामों को देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ये खिदमत कबूल कर ले। तो बाकी आप कहने लगे जी नहीं वो मोटिवेशनल जो लोग हैं ना वो सीट, मैंने कहा वो मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, और वैसे भी जो बिकती बकाती है वो हिकमत तो नहीं ना होती, हिकमत तो अनमोल होती है, जो खरीदी जा सके जो बेची जा सके वो हिकमत तो नहीं ना मेरे भाई, वो तो अनमोल शय है, वो तो कहीं से मिलती है, और अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, फिर क्या बात है, फिर तो वैसे भी दरवेश ने कहा था दुनिया उत्ते थोड़े ही रह गए कदर शनास सुखन दे, चंद तो लोग रह गए हैं जिनकी समझ में बात आती है, वरना तो ये कि कहीं सुनते हैं तो खाली सर ही धुनते हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए।